अर्थात जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है, इसके लिए मैं आप तमाम श्रोता और वक्ता साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक करता हूं। साथियों, आप लोग ब्रेन को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, तेज करेंगे। एक बार किसी ने एक जंगल में आग लगा दिया। आग जब जंगल में लगी तो सारे पक्षी जीव जंतु भागने लगे, तो सभी तो नहीं लेकिन हाथी जंगल में पानी तालाब से लेके फेंकना शुरू किया कि मेरा घर द्वार सब जल जाएगा। तो उसके बाद खुदगुदी चिड़िया वो देखी कि ये सारे लोग भाग रहे हैं, आग लगा हुआ है, घर द्वार जल जाएगा। तो खुदगुदी चिड़िया का किया, वो भी चोंच से पानी लेके जंगल में आग पर छिड़कना शुरू किया। तो एक बौछार हाथी का जब लगता था तो खुदगुदी बच गई। तो उसने हाथी उसके उसको कहा, अरे क्यों इस तरह से परेशान हो, तुम एक ड्रॉप पानी लेके इस पर गिरा रहे, उससे आग बुझाएगा, तुम अलग रहो नहीं तो झुलस करके मर जाओगे। तुम तो फतगुद्दी चिड़िया बोली कि अरे भाई हाथी, जिसने आग लगाया, जब इसके इतिहास लिखे जाएंगे तो आग लगाने वालों में मेरा इतिहास नहीं होगा, मर जाऊंगा, लेकिन आग बुझाने वाले में मेरा इतिहास होगा। साथियों, पूर्व के वक्ताओं को आपने सुना, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरिया रामास्वामी नायकर, जगदेव बाबू, कबीर, ललित सिंह यादव, सारे महापुरुष को हम लोगों ने पढ़ा। कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, सारे दार्शनिकों का दर्शन का डीप अध्ययन हम लोगों ने किया। एक बेहतर प्रखर पदार्थवादी सोच रखने वाली तस्लीमा नसरीन, संपूर्ण माँ बहनों को मैं कहूँगी कि तस्लीमा नसरीन की लिखी हुई पुस्तक औरत के हक में जरूर पढ़ेगी कि महिलाओं को बुल्की क्यों पहनाई गई, पायल क्यों पहनाई गई, चूड़ी क्यों पहनाई गई, कंगन क्यों पहनाई गई, उस पर कम तोड़ के लिखा है, और पदार्थवादी और दार्शनिक विश्लेषण। अगर उस लिटरेचर को दुनिया की सारी महिलाओं के हाथ में दे दिया जाए तो वो पुरुष से आगे बढ़ करके वो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगी। साथियों, सारे दार्शनिकों ने स्पष्ट किया है, कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस कौम में, जो कौम अपने पूर्वजों के इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। कार्ल मार्क्स ने लिखा कि मार्क्स टोल्ड दैट रिवॉल्यूशन इंजन ऑफ हिस्ट्री, क्रांतियां इतिहास का इंजन होता है। क्रांति का अर्थ हमारे समाज के लोग अभी तक नहीं समझे। इनकलाब जिंदाबाद, रे इनकलाब का क्या अर्थ होता है? इनकलाब का अर्थ होता है, समझो, इस तरह से बहक करके मत नारा लगाओ, इनकलाब, क्रांति, रिवॉल्यूशन सब हिंदी है, फारसी है इनकलाब, क्रांति हिंदी में कहते हो और रिवॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हो। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंजिंग, परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। हम परंपरावादी बन गए हैं, हम 90% बैकवार्ड, 2.5-3%, 10% सवर्णों का, ब्राह्मणों का गुलाम बने हुए हैं। गुलाम और इंसान में क्या अंतर है? डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे उसमें लिखा हुआ है मैन। दुनिया के लोग जानते हैं इंसान को जानने के लिए, मैन का अर्थ होता है इंसान, इंसान का अर्थ होता है जिसमें सील दया ज्ञान हो उसको इंसान कहते हैं। लेकिन भारतवर्ष में आदमी कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है, इंसान का अर्थ नहीं, यहां आदमी, मनुष्य, लोग, इस तरह से संबोधित किया जाता है। तो इंसान नहीं बनाया, चूंकि हम लोग आदमी बन करके हैं, ब्राह्मणों के आदमी बन के, आदमी का अर्थ होता है जिसमें, जिसको चमचा पिछलग्गू गुलाम कहते हैं, ये दरोगा जी के आदमी हैं, ये विधायक के आदमी हैं, ये फलाना जमींदार के आदमी हैं, ये पंडित जी के आदमी हैं। आदमी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है गुलाम, चमचा पिछलग्गू। इंसान आज तक हमारे भारत के शूद्रों को बनने नहीं दिया, चूंकि कारण है,
बिना कारण का दुनिया में कोई घटना कोई कार्य होती ही नहीं है। कारण का पता लग जाएगा तब जाकर उसका निवारण हम कर सकते हैं। तो अर्जक संघ एक सामाजिक संगठन है, संपूर्ण बीमारी का सुपर एंटीबायोटिक अर्जक संघ है। अगर भारत में बुद्ध असफल, ब्राह्मणवाद सफल, कबीर असफल सारे, और काल मार्क्स भी भारत में असफल, भारत में जितने प्रगतिशील पदार्थवादी विचार आए सारे के सारे असफल, ब्राह्मणवाद सफल। इसके पीछे एक ही कारण, जो हम हिंदू बने हुए हैं। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है। हिंदू शब्द का अर्थ होता है काला चोर, गुंडा, बलात्कारी, और कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो कहो हम काला चोर हैं, गुंडा हैं, बलात्कारी हैं। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है, पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं कि हिंदू शब्द हिंदी है तो मैं आज गुलाम इनके बन जाऊं। हिंदू शब्द फारसी है, फारसी में वो गाली पढ़ा मुगल लोग, हम उसको अब ये 1919 में हिंदू सम्मेलन करा के ये आर्य लोग हमें हिंदू बना दिया। आर्य कौन है इस धरती पर? एक पूर्व के मुझसे पहले के वक्ता ने कहा कि रामायण जला दो, हम मनुस्मृति का गोर लगे थे, मनुस्मृति जला देने की चीज है, रामायण का गोर लात खाने के लिए रखोगे? जिसमें लिखे हुए रामायण में तुलसीदास ने कूट कूट करके जे वर्ण आधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा या फिर यमन की रात कल, ये सब दुष्ट और बदमाश जाती है, जब लात जूता खाने वाली जाती है, यह है कि नहीं? तो इसको गोर लगने के लिए रामायण, रामायण को भी जला दो, इसकी जरूरत कहां से? टाइम आपको देना पड़ेगा, अगर टाइम 4 घंटा दीजिए तो अभी मेरे लिए कम है। ब्राह्मणवाद को समझना होगा, जानना होगा, जरूरी है। साथियों, 1919 में ब्रिटिश सरकार अधिनियम 7 के तहत ये कानून बनाया कि ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, वो समझ गया अंग्रेज। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा, लाखों जापानियों के निधन पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल का हृदय पिघल गया। उसने इंटरनेशनल कमेंट किया और यह कहा कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बादे करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? भारत से 4 को परमाणु लेके जापान में बसा देता उसका सर्वनाश कर देता। तो वो इंग्लैंड समझ गया, लेकिन भारत का शूद्र, पिछड़ा, दलित आज तक नहीं समझा, जिसके वजह से हम दलित पिछड़ा हैं। और वो समझ करके बारीकी से इनका इसका विश्लेषण कर दिया, लेकिन हम लोग पंडित जी को बेटा बेटी के शादी करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं अंगना में और इधंग विधंग समर्प्यामी करवा करके सत्यनारायण झूठ नारायण कथा कहवाते हैं और पंच गौ लीते हैं, चरणामृत पीते हैं, और चरणामृत ऐसे देता है, 2 ठोक चुगा देता है हाथ पर, हमारे बैकवार्ड लेके पी लेते हैं और इस तरह से टीकी उकी हाथ उठ में माथ में लेप लेते हैं। तो एक चाचा से, चतुर चाचा से मैं पूछा कि चाचा माथ में पी लिया तो हाथ धोना चाहिए तो माथ में क्यों लगा लिए? कि वो कल पिन्हेगा तो खिसियागा। अरे भाई सर से मजाक करते हो, हम चाचा मजाक नहीं ना कर रहे, तो फिर टीकी अब माथ में लेप क्यों ले गए? ब्राह्मणवाद पूरा हैवान बना करके यहाँ के पुरुषार्थहीन यहाँ के 90% बैकवार्ड को बना करके रख दिया और आज भी हम पुरुषार्थ बन करके उसका पिछलग्गू बने हुए हैं। मेरे 8 जनवरी के मेरे ससुर मरे, उनका श्राद्ध हुआ, शोक सभा में अर्जक संघ में कर, मेरे पिता मर गए, मेरी पत्नी मर गई, लड़कियों को ले आया श्मशान घाट पर, अपने बेटा भतीजा होने के बाद भी मैं कोई बेटा भतीजा नहीं लेगा, ब्राह्मणवाद के सारे परंपरा को मैं तोड़ दूंगा, सारे मेरी बचिया भतीजी भगनी ले गई श्मशान घाट पर। साथियों, ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने दिया ब्राह्मणवाद के तहत कि हमारे लोग सत्यनारायण कथा कहते हैं और वो जो कहता है उसको सत मानते हैं, टोटल 100% झूठ का कथा है। और मेरे ससुर मर गए तो मेरे यहाँ कार्ड आया, जबकि मेरे साला ग्रेजुएट हैं,
सर बेटा ग्रेजुएट शिक्षक है, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में सवेरे मुंह धो रहा था तो कार्ड लेके आया, तो कार्ड में कैसे इसी बुराई को छोड़ना होगा तब जाके आपकी मुक्ति संभव है, नहीं तो मुक्ति फिर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध कबीर नहीं आएंगे, ललित सिंह यादव और राम स्वरूप वर्मा नहीं आएंगे कि आपका कल्याण कोई का आपको बनना होगा, उस पर अमल करना होगा। तो कार्ड में लिखा हुआ है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्ड का मन हजामत पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। मैं कहा कि अरे कि कान कौन लिखा है, तो पापा टोटल गलत लिखे हुए हैं तो इस पर हम अनुभुक्ता क्यों जाएगा, हमारे ससुर हो रहे हैं इसका क्या मतलब, हम गुलाम है ना कि दौड़े हुए चले जाएंगे, तो क्या गड़बड़ी है, कभी जैसे ग्रेजुएट है ना, तुम भी ग्रेजुएट है, इसमें गलत पापा कर रहे थे तुमको सुधार करना चाहिए, बताना चाहिए ना, तो कोई गलती नहीं है, हम तो आओ बताते हैं। लिखता है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। अरे बिना बाबा जी के तोषक तकिया जूता छत्ता छिपा लोटा गाय दान पहले अगर बाबू जी स्वर्ग में चले तो दुख कहला लिखा। फिर लिखते हो कि उनके आत्मा की शांति है जो आप साधन आमंत्रित है, तो शरीर में आत्मा होती नहीं है, यह शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है, यह शरीर में अरबों खरबों परमाणु डेली आते हैं, अरबों खरबों परमाणु इस शरीर को डेली छोड़ के चले जाते हैं, जो परमाणु एक बार जिस रूप में आया दोबारा उस रूप में नहीं आता, शरीर में आत्मा होती नहीं, अगर आत्मा है तो जैसे शरीर में किडनी लंग्स हार्ट स्प्लीन बोन स्किन ब्लड ये सारे पार्ट हैं, वर्ल्ड में सारे पार्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर वर्ल्ड में है, अगर शरीर में आत्मा प्राण होती तो बताओ दुनिया में कोई स्पेशलिस्ट आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो ना ना है। तो फिर आत्मा के हम शांति हेतु जब शरीर में आत्मा होती नहीं है तो अरुण गुप्ता जाकर शांति किसको करेगा। फिर नीचा लिखते हो कि मोक्ष कार्य में हजामत, हजामत का मुहावरा पढ़े हो ग्रेजुएट हो तो ना पढ़े में पढ़े हो ना, फलाना मार जूता के हजामत कर दिया, फलाना मार छील दिया, मुहावरा है फलाना को मार छील दिया, मार करके बुखार उतार दिया, आठ दिन का सांप चूना लगा देना आंख दिखाना ये मुहावरा है, तो ब्राह्मण ऐसा भेष बना देता है कि उतरी सुतरी पहना के मार छीला करके कि बुझाता है कि अपना पाप का मॉडल किए हुए 302 का पराचित कर ये ब्राह्मण ऐसा भेष आपको बना देता है, मांस वर्ल्ड में कहीं छीलने का, मांस छीलने का मतलब बेवकूफ बना देना गधा बना देना, मांस छील के ऐसा भेष बना देता है कि बता दे चंडाल का भेष पकड़े हुए। फिर नीचे लिखा कि पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। अरे ये बताओ कि पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज, पगड़ी चादर होगा तो ये कार्ड तो प्रतिनिधित्व कर रहा है सिर्फ ब्राह्मण के भोज का, और इसमें हम कहले जाए पगड़ी चादर होगा अब पंडित जी के लिए भोजन का व्यवस्था होगी, अगर इस भोज में अगर दूसरा किसी जाति के लोग खाते हैं सब कुत्ता और गिद्ध खाएगा, क्योंकि कार्ड तो पगड़ी चादर होने के बाद ये भोज होगा जिसमें ब्राह्मण खाएगा, इसमें तो कार्ड होना चाहिए, अगर तुम अपने शूद्र समाज को खिलाता तो इसका शब्द अलग कर दे ब्राह्मण को छाड़ दे, ब्राह्मण आजाद है तो ब्राह्मण मरता है तो पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज लिखता है, तू तो आजाद है तू अपना भोज लिखा, तुम अपना भोज क्यों नहीं लिखा, तो कैसे लिखाएगा, तो कानू है हलवाई हाँ तो लिखता कि पगड़ी चादर में कनु भोज, गुआर मरे लिखो पगड़ी चादर गुआर भोज, चमार मरे लिखो पगड़ी चादर चमार भोज, कोयली मरे लिखो पगड़ी चादर कोयली भोज, दुसाध मरे लिखो पगड़ी चादर दुसाध भोज, तुम गुलाम हो इसलिए उसको इनवाइट करते हो अपना भोज समाप्त कर देते हो, इससे परफेक्ट बात और क्या सकता है। साथियों विज्ञान में सत्य में लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलता, विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, सत्य अगर सोना पैखाना में भी गिर जाएगा तो वो सोने रहेगा, वो चेंज नहीं उसका स्वरूप होगा, उसका वैल्यू कम है कमेगा नहीं, तो सत्य में देखिए ब्राह्मणवाद असत्य पर झूठ पर अध्यात्मवाद झूठ पर आधारित है, इसलिए ये दुनिया में सर्वाइव नहीं करेगा, मानव समता की प्रतिपादक तुम जब तक हिंदू बने रहोगे ब्राह्मण उच्च रहेगा
और बाद में सब नीच रहेंगे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति जिसने बनाया उसने व्यवस्था दिया, चार वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, उसके बाद अंतज, अंतज कवन चमार दुसा डोम हलखोर मेस्तर, ये अंतज जिसका कोई जाति धर्म नहीं है। शूद्र का अर्थ होता है ब्राह्मण क्षत्रिय का सेवा कर रहा, हस्तकारी के सारे कार्य शूद्रों के हाथ में केंद्रित हुआ, किसी को गाय पाल के उत्पादन करना, हमको मिठाई भोजन बनाने का काम, इस तरह से ये आर्यो ने बनाया। और ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय, ये तीनों ऐसी विषम परिस्थिति में है। अर्जक संघ कहता है कि ऐसी समता पर आधारित व्यवस्था करो, ऐसी व्यवस्था की कोई किसी के माथ पर किसी का जूता नहीं हो, ये जूता का सिलसिला बना दिया कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जिस देश में, जिस संस्कृति में, जिस धर्म में भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच और भीख देने वाला कोयली अहिर कुमार का अनुकलवाद नीच, इसी के गुलाम हूं। भीख भी लेता है, शोभमान उसका बढ़ा रहता है, उच्च रहता है, लेकिन हम भीख दे करके भी नीच रहते हैं, हम ही पालते हैं, हम ही खिलाते हैं और नीच भी जूता भी खाते हैं, ऐसी व्यवस्था को कब तक चलाते रहेंगे साथियों। फिर जिसने आपका इज्जत लूटा, निहाल कर दिया, 1935 में, 1835 में लॉर्ड मैकाले आके शिक्षा नीति बनाई, शूद्रों का पढ़ने का अधिकार दिया, न तो इसके पहले राजपूत काल में, ब्राह्मण काल में बैकवर्ड को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इतिहास जानिए, गुप्त काल, मुगल का, गुप्त काल, राजपूत काल, मुगल काल और अंग्रेज का काल, चार काल से भारत गुजरा है। हिस्ट्री में डीप अध्ययन में किया, गुप्त काल को परास्त कौन किया? आर्य का काल, राजपूत काल, राजपूत काल को कौन परास्त किया? मुगल काल, मुगल काल को कौन परास्त किया? अंग्रेज का काल। तो हम तो अभी आजादी की लड़ाई 90% बैकवर्ड लड़ा नहीं, तो फिर आजाद कौन दे देगा, आजाद कौन करेगा? अगर मेरे कपड़ा में अगर गंदगी आ गई, तो इस गंदगी को साफ करने के लिए हम ना कहेंगे कि हथिया निछत्तर माथा आएगा तो हमारे गंदगी निकाल लेगा, उसकी व्यवस्था मुझे करना होगा, छोटा साबुन की व्यवस्था करके खींचना होगा तब गंदगी निकलेगी, अपने आप गंदगी नहीं निकल सकती। इसीलिए आज हमारे खानदान को आया, एक एक बौद्ध, हमारे बौद्ध धर्म को एक एक बौद्ध को काटा, और काटने के बाद, काटने के बाद हमारे संस्कृति सभ्यता को नष्ट किया, हमारे धर्म को नष्ट करके हमें गुलाम बनाया, वो अपनी संस्कृति सभ्यता को लागू किया, जिसका नतीजा है कि हम गुलाम बन गए। और गुलाम बनने के बाद वो लिखते हैं शुद्धिकरण, जब लॉर्ड मैकाले, तो उसने पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाया, तक्षशिला नालंदा को लूट लिया और सारे बौद्ध लिटरेचर को, सारे पदार्थवादी लिटरेचर को इन लोगों ने जलाया। और तलवार, ये आर्य लोग आए तो सिर्फ घोड़ा से आए थे, मर्द लोग आए थे और तलवार लेके आए थे, और ये लोग अपनी महिलाओं को लेकर नहीं आए। और यहाँ जब आ गए, आने के बाद यहीं के मूल वासियों को फिर गुलाम बनाया, तो गुलाम बना हुआ मिट्टी का हर चीज गुलाम बनाने वाला का हो जाता है। तो ये आर्य आकर के हमारी बहु बेटियों को लूटना शुरू किया। हम अपने घर में बहु पोती के साथ हैं, आर्य लोग घोड़ा तलवार लेके घर में घुस गया, हमारी बच्चियों को लूट के ले गया। तो बच्ची विलाप करती थी कि बाबा हो बाबा बचाओ हो बाबा, नाना हो नाना बचाओ हो नाना, भैया हो भैया बचाओ हो भैया। तो आर्य के नेकेड तलवार की स्थिति को, इनके रिष्ट पुष्ट बदन को देख करके हमारे समाज के लोग जुआ पटक दिए, हमारे बीच से हमारी बहु बेटियों को लूट करके आर्य लेकर के धर्म पत्नी बनाया। धर्म पत्नी का अर्थ होता है रखवाली स्त्री। बड़ी गर्व से कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब के धर्म पत्नी बनाने, जब इन महिला जाति जान जाएगी धर्म पत्नी का अर्थ होता है रखवाली स्त्री, तो चप्पल निकाल के चार चप्पल हो सकते। धर्म पत्नी का अर्थ है कि पत्नी जैसा धारण, आज हमारे बहु बेटियों लूटी हुई पर हम बच्चियों को पत्नी के जैसा व्यवहार किया, लेकिन पत्नी नहीं बनाया। जिसको ज्योतिबा फूले के गुलामगिरी में लिखा है कि जाके धन धरती हरी ताके राखो न सन, यदि रखना पड़ा तो बना के रखो अपन। साथियों, जब हमारी बहन बेटी
बहन बहन पोती जब आठ लोग लूट करके ले जाते थे तो विलाप करती थी कि बाबा हो बाबा बचाओ हो बाबा, नाना हो नाना बचाओ हो नाना। तो बाप और नाना तो देख लिया कि इसका तलवार का मुकाबला मैं नहीं करूंगा, मारा जाऊंगा और पत्नी बच्ची लुटा के जाही। जिसका नतीजा आज भी शादी ब्याह में हमारी माँ बहने गीत गाती है कि बाबा बाबा पुकारी ले बाबो न बोलल है, नाना नाना पुकारी ले नानो न बोलल है, भैया भैया पुकारी ले भाभी न बोलल है। कि नहीं बात कहना यार, आज भी महिलाएं विलाप कर रही है लेकिन महिला जाति समझती नहीं है कि किस परिवेश में किस परिस्थिति में ये गाई गई विलाप की गई बातें हैं। साथियों इसी तरह से आप मूर्ति पूजक बना दिए ब्रह्मवाद, इसी तरह से 1819 में अधिनियम 11 के तहत शुद्धिकरण पर अंग्रेजों ने लगाया, शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया कि बैकवर्डों की शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देना पड़ता था, शुद्ध होती थी हमारी माँ बहन। अब बताइए कि शुद्ध का क्या परिस्थिति रही होगी, हम अपने पति को पत्नी को अपने घर न ले आकर के शुद्धि के रूप में शुद्धिकरण पर अंग्रेज आकर के भी हमें रहम किया, हमें आजाद किया, हमें हमारे प्रतिष्ठा को अंग्रेजों ने बचाया और ये ब्राह्मण शुद्ध करने के नाम पर हमारी बहु बेटियों को ले जाते थे और उसके साथ बलात्कार करके और चौथारी के दिन फिर हमारी माँ बहने उसको अपने यहाँ बुला करके गीत गाते हुए मन बहला करके वो बच्ची को लाती थी। इसका नतीजा आज भी चौथारी चलता है कि नहीं, अब बताइए कि चौथारी क्यों चलाया गया। आज कुछ हिस्ट्री उठा के पढ़े जिसको अंग्रेज 1819 में शुद्धिकरण को रोक अंग्रेजों ने लगाया, शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देना पड़ता था, इस व्यवस्था को कौन हटाया। आपके खानदान को राजपूत काल में गर्दन पढ़ने लिखने पर गर्दन कौन काटा, जीव कौन काटा, कान में शीशा कौन डाला, क्या मुगल क्या अंग्रेज कौन किया। और वही तुम्हारा भाई आज दोस्त बना हुआ है कि बोल बम जाते हो, आज भी वही लड़ाई लड़ सकता है ब्राह्मणवाद का जो पदार्थवाद के दर्शन को जानता, पदार्थवाद के नियम को जानेगा। और आज भी हमारे नौजवान साथी बधी बांधते हैं, हाथ में औंठी पहनते हैं, चनन पटाखा करते हैं, जिसको जगदेव बाबू ने कहा है मूर्ति पूजते हैं कि मूर्ति के वंदना करे पूजे देवी देव, ओकरा समझो असली ढोंगी कहते थे जगदेव। अरे अधिपति भुरुकवा चनन, ये ब्राह्मणवाद का पाखंडी स्वरूप है कि हमारा समाज 90% ताकतवर समाज 10% का गुलाम बना हुआ है। ये बधी बांधते हो तो तुम बांध दिया, एक बधी बना हुआ विधानसभा का गया एक सवन जगदेव बाबू से हाथ मिलाने, तो जगदेव प्रसाद डांट के कह गए तुमसे हमें हाथ बुला, मिनिस्टर हो गया तो इसका क्या मतलब, हाथ गुलाम हाथ से मैं आजाद हाथ को टच नहीं होने दूंगा तो क्या गुलाम। ये बधी बाड़ा बांधा गए हो तुम, जिस तरह से बधी बांधता है उस समय आपको गाली पड़ता है, एन बधी बलो एन बधो बलि राजा दानेन्द्रो महाबल, ऐसी व्यवस्था करके संस्कृत में ऐसी व्यवस्था को जानना होगा। आपके देश में ब्राह्मणवाद मूर्ति पूजक बना दिया, अरे मूर्ति पूजने की बात क्यों, क्या मूर्ति में मिल गया, 56 करोड़ देवी देवता, जितने देवी देवता हैं सारे के सारे देवी देवता ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान, और देवी देवता जब सर्वशक्तिमान है तो भय किसको किससे है, उसको देवी देवता को भय किससे है, तो देवी देवता को भयभीत है डरा हुआ है तो देवता नहीं हो सकता है। सभी देवी देवताओं को पीठ पर देखो, कोई गड़सा लिए हो, कोई फरसा लिए हो, कोई चक्र लिए हो, कोई गदा लिए हो, कि त्रिशूल लिए हुए, ये देवता ये त्रिशूल गदा क्यों लिया है, इसका मतलब ये सारे देवता आतंकवादी थे सब राम, ये सारे के सारे देवी देवता उसामा बिन लादेन, हमारे 90% बैकवर्डों को गुलाम बना के डरा करके ये सारे देवी देवता रखे हुए हैं। अगर ये देवी देवता में सामर्थ्य था तो ब्राह्मणवाद कहता है श्राप वरदान, और शिव के त्रिशूल से बचवा, विष्णु के चक्र से बचवा, इंद्र के वज्र से बचवा, जौन के दंड से, पंडित जी के श्राप से न बचवा, चंद्र लोकों पर भाग के चल जाए, लकड़ी लेखन धो धो जड़ जाए। तो मैं पूछता हूँ कि 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला किया, दाही राजा के 60000 पलटन हार गए,
1026 में मदगजनी 30,000 फौज लेकर पंजाब राजस्थान हुआ गुजरात पहुंचा। वहां ब्रह्मनबाग के पर्वत दूर सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया, सभी सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के ले गया। 3,00,000 क्षत्रिय सेना हार गए। सोने चांदी के देवी दुर्गा को 80 को खच्चर का राज हिस्ट्री में हम लोग पढ़ने ले गया। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान के 80,000 फौज धूल चाट के हार गए। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गए। सभी देवी देवता को कबाड़ के ले गए। 6 घंटा गजनी तलवार चलाया तो सैकड़ों भक्त गुजरियों को काट दिया। एक तरफ कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज, जम के दंड से बचो, पंडित के शराब से न बचो। 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई, मार के मंदिर ढाक दिया। गजनी गोरी को शराब देता तो बोर्डर के वही पर नौकरी लेकर धौ धौ जड़ जाता। शराब किसके लिए थे? कोई कुम्हार अहिर कानू तलवार के लिए थे। कम से कम शराब तो हम देंगे तो शराब तो लेकर होगा, काम नहीं करेगा तो हमारा तो पूजिया लॉस हो जाएगा, तो फिर दान दक्षिणा कौन दी, गोट होके कौन पिएगा? ऐसी व्यवस्था के लिए शराब ही रिजर्व रख लिया। ऐसी व्यवस्था कौन समझेगा? मूर्ति पूजक बना लिया। इसको सोचने समझने की बात है, सोचने की बात है कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाबर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? कतई संभव नहीं है। और ये हिंदू धर्म हम बन करके, हिंदू धर्म का भक्त बन करके, जिस धर्म से नीच और अछूत जाति पैदा लेती हो, उस धर्म की जाति नीच अछूत नहीं है कि बल्कि वो धर्म नीच अछूत है। ऐसी व्यवस्था को जानना होगा। और मानव समता के प्रतिपादक इस्लाम धर्म देश की सीमाओं में न बन के सारे विश्व का धर्म बन गया। मानव समता के प्रतिपादक क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म देश की सीमाओं में न बन के सारे विश्व का धर्म बन गया। लेकिन हिंदू धर्म भारत को छोड़ के किसी देश को मान नहीं। धर्म सीमा विहीन होता है और अधर्म सीमित होता है। ऐसी व्यवस्था को सोचना होगा, समझना होगा। मूर्ति पूजक से आपको छुटकारा देने के लिए अर्जक से बार बार कहता है, क्यों मूर्ति पूजक बने हो? मूर्ति पूजा से क्या मिलता है? अगर मैं 25 को मिट्टी का चूहा बना दूं, चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दूं, 25 को मिट्टी का खरगोश बना दूं और खरगोश को किसी झाड़ी में छुपा दूं, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करूं और कुत्ता मिट्टी के बने हुए खरगोश को कैच करो, तो माटी के खड़ा को कुत्ता कैच करेगा? मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी? जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं करे, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानव अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव, शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के, पॉइंट पेंट पोचारा करके, लहंगा का साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोर के गिर गिराते हैं कि हे हनुमान जी हम पर कृपा करो, तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20,000 से कृपा कर देगा? तो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 बीघा जमीन रजिस्ट्री कर देगा? इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानव कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। ऐसी व्यवस्था कौन सोचेगा, कौन समझेगा? मूर्ति पूजक कहीं नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में मूर्ति पूजक बना करके हमारे समाज को, तो मैं चाहूंगा साथियों, बहुत मैं समय ले लिया, इसके लिए मैं आप तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हुए मैं इसे आयोजक मंडली को जय अर्जक, जय बोध, जय अंबेडकर, जय जगदेव, जय ललित।